आज का व्लॉग शुरू हो चुका है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग गाइस, दिस इज़ मी शरद पारिक, लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक और गज़ब का व्लॉग। और अभी रात के बज रहे हैं 1:45, और कल सुबह मुझे निकलना है साइकिल से 100 किलोमीटर की राइड पे। कहाँ जा रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, खाटू श्याम जी का मंदिर, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ साइकिल से। और ये डिस्टेंस अभी मुझको आइडिया नहीं है, अप्रॉक्स 90 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा मुझे मेरे घर से। तो अभी मैं बस सोऊंगा, क्योंकि 3 घंटे हैं मेरे पास केवल सोने के लिए। उसके बाद मैं उठते ही अभी फुल रेडी हूँ नहा धो करके, और सुबह सीधे निकल जाऊँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं फुल रेडी हूँ निकलने के लिए। सारा सेटअप कर लिया मैंने, रेडी नाउ, और देखते हैं कैसा रहता है ये गजब का इस बार का ट्रिप, साइकिल राइड 100 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम नोट कर देते हैं सेफ्टी फीचर्स, ये लाइट देख लीजिएगा। तो गाइस रात हो रही है, निकलना तो कम से कम 1.5 घंटे पहले चाहिए था, और मैं अप्रॉक्स आ चुका हूँ अपने घर से निकलने के बाद में 7 किलोमीटर। दोस्तों थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होने लगा है अभी, और काफ़ी मैं अप्रॉक्स 13 किलोमीटर आ चुका हूँ तक। मेरा प्लान यही है कि मैं 20 से 25 किलोमीटर्स के बाद में ब्रेक लूँ। मैंने सोचा तो यही था कि 30 किलोमीटर्स पे लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल में गियर नहीं है। पैरों पे अगर ज़्यादा प्रेशर डाल दिया तो आगे राइडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो यही है सीन गाइस, खाटू श्याम जी सीधे। वाह यार बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। गाइस चलाते चलाते दिन हो गया है, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे, और मैं अभी अप्रॉक्स 17 से 18 किलोमीटर्स आ चुका हूँ। और मुझे लगता है कि थोड़ा 30 किलोमीटर्स के बाद में मैं ब्रेक लूँगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इसलिए लेना बनता है 30 किलोमीटर्स के बाद, क्योंकि अगर धूप तेज़ हो गई तो मैं डिहाइड्रेट बड़ी जल्दी हो जाऊँगा, क्योंकि गर्मियों का ऐसा सीज़न हो चुका है, अभी हवा ठंडी है। इसमें मैं आराम से चलाते चलाते भी अगर 30+ किलोमीटर कर लेता हूँ तो बड़ा आसान हो जाएगा काम। तो गाइस फाइनली हाईवे पे पहुँच चुके हैं, और जो राइड है मैंने वो मेरी हो चुकी है अप्रॉक्स 22 किलोमीटर्स, और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा गाइस मैं अपने हाईवे के ऊपर साइकिल राइड कर रहा हूँ। बाइक खूब चलाइए, कार खूब चलाइए, लेकिन ये साइकिल फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ हाईवे पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दिन भी हो चुका है तो और भी अच्छा लग रहा है, बस धूप ना निकले। दोस्तों सबसे अच्छा एहसास इस समय जो मैं फील कर रहा हूँ ना, वो ये है कि एक पुली आई उस पर चढ़ाई का ये पता नहीं चला, और उतरते वक्त तो पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आगे एक रेस्टोरेंट टाइप दिख तो रहा है, और मैं रोकूंगा ये साइकिल, क्योंकि ये डिसीज़न मुझे लेना ही पड़ेगा। बस
को ही मैंने मेरा पहला ब्रेक ले लिया है। तो दोस्तों मैंने अपना पहला ब्रेक लिया है अभी अप्रॉक्स, मैंने अभी 60 किलोमीटर्स के आसपास में अपना पहला ब्रेक लिया है और काफ़ी लंबी राइड करने के बाद में साइकिल से 50 किलोमीटर्स पे ब्रेक लिया मैंने। और अभी मैं एक रेस्ट स्टॉप पे रुका हूँ और वहाँ पर मैंने अभी कुछ ब्रेड है, बटर ब्रेड, उसको ऑर्डर किया है क्योंकि ज़्यादा हैवी मैं अभी खाऊँगा नहीं क्योंकि साइकिल राइड करते जाना है और मैं 20 किलोमीटर बाद ही रुकना चाहूँगा अभी, क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा रुकना चाहिए क्योंकि धूप जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है उतना ही मुझे डर लग रहा है कि भैया धूप जितनी ज़्यादा होगी एग्जॉस्ट उतना ज़्यादा होगा, बॉडी की एनर्जी जल्दी जल्दी ख़त्म होती जाएगी। तो मुझे अभी यहाँ से ब्रेड खाने के बाद में 20 किलोमीटर बाद ब्रिंगस है यहाँ से 20 किलोमीटर अप्रॉक्स, वहाँ पर जाकर के रुकूँगा, वहाँ पर जाकर मैं प्रॉपर अपनी डाइट लूँगा। उससे पहले मैं कोई सीन नहीं रखना चाहता हूँ ऐसा, इसलिए मैंने ब्रेड और बटर ऑर्डर किया है यहाँ पर और दो बनाना मेरे पास में रखे हैं, वो मैं खा लूँगा। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग रहा है, सोचा नहीं था, ईजी भी लग रहा है और टफ भी लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ, मिक्स सा फीलिंग है ये। और ये देखो जी यहाँ पर बैठा हूँ मैं और यहाँ पर सामान वामान रख दिया अपन ने, और ये देख लीजिए ये है हमारा रेस्टोरेंट। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे ये बता दो मुझको। दोस्तों 10 बज चुके हैं और अब मेरा निकलने का समय आ गया है और यहाँ पर ये खड़ी है साइकिल जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है मुझे, इतनी लंबी राइड करी है क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसलिए, और वैसे भी बहुत प्यारी है, पेट्रोल भी खर्च नहीं हुआ, नहीं तो अभी तक तो 1,500 का तो पेट्रोल खर्च हो ही जाता है यहाँ तक आए हूँ जब तक में। और चलते हैं आगे, पैरों में भी एनर्जी आ गई है और बॉडी में भी आ गई है क्योंकि खाने पीने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी आनी आनी है, तो निकलते हैं आगे के समय के लिए। आ जाइएगा इस दोस्तों, मार्च में इतनी गर्मी और सामने गन्ने का रस बहुत बनता है। कितने का है ग्लास बिना बर्फ का? आपको एहसास हो गया होगा कि मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां के लिए आया हूं। काफ़ी लोग हैं दोस्तों यहां पर, काफ़ी, जैसा कि आप देख रहे हो पैदल यात्री। कैमरा मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है तो मैं वहाँ शूट नहीं कर पाऊँगा। और बात बची कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरी हालत नहीं थी शूट क्या करें, क्योंकि मैंने 3 घंटे तक तो वेट किया था, अप्रॉक्स 3 घंटे मैं बाहर बैठा हुआ था और उसके बाद में अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और अब यहाँ दर्शन करने के बाद में आपसे बातें करता हूँ। तो ये साइकिल जिसने मेरा बड़ा साथ दिया है इसको मैं आखिर बस पे रख चुका हूँ और इसी बस से मैं जा रहा हूँ। ये देखो चारों तरफ, चलो चलते हैं नीचे अब।
Yeah.